हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे सिविल 3D का और एक बहुत अच्छा मज़ेदार फीचर्स जो आप लोगों को, उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों का भी हेल्पफुल रहेगा और आप लोग इसके मदद से आपका डाटा कहीं पे रिप्रेजेंट करना है तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल के लिए मैं यहाँ पे कुछ सैम्पल डाटा लिया हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक CSV फाइल है, मैं इस डाटा को जस्ट आपको दिखा दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे इस डाटा में ईस्टिंग कोऑर्डिनेट, नॉर्थिंग एंड एलिवेशन, इस टाइप का सिंपल एक आपका डाटा है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इस डाटा को 7-3 के अंदर प्लॉट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे प्लॉट करते हैं, पॉइंट के ऊपर राइट क्लिक, क्रिएट पॉइंट और फिर इंपोर्ट पॉइंट लेता हूँ। मेरा फॉर्मेट ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन कॉमा डेडिमिटेड पे है और मेरा डाटा डेस्कटॉप में इस डेटा नाम का CSV है तो मैं इसको चूज़ करता हूँ। आप डेटा प्रीव्यू भी देख सकते हैं और फिर ओके। तो सबसे पहले मैं डेटा जो इंपोर्ट कर रहा हूँ, इस डेटा को मुझे एक सरफेस बनाना पड़ेगा। तो ये डेटा मेरा इंपोर्ट हो गया, अभी इस जगह पे अगर जूम एक्सटेंड करूँ तो ये मेरा डाटा इंपोर्ट हो गया। अभी इस डाटा को सबसे पहले अगर एक सरफेस बनाता हूँ तो आपका जो सरफेस है, सरफेस में क्रिएट सरफेस, मैं उसी नाम का एक सरफेस बना लेता हूँ और सरफेस के अंदर सरफेस 1 डेफिनेशन और 0.1 ग्रुप में मैं ऐड कर देता हूँ इस पॉइंट। तो यहाँ पे सब पॉइंट में ऐड कर दिया, अभी ये मेरा एक सरफेस क्रिएट हो गया। तो इस पॉइंट को आपको जस्ट मैं इसका विजुलाइजेशन ऑफ कर देता हूँ नाम, एंड ये जो कंट्रोल लाइन है इसका रिप्रेजेंटेशन भी मैं एडिट सरफेस करके इसका टेंगल ऑन कर देता हूँ और मेजरमेंट कंट्रोल ऑन कर देता हूँ। तो ये जैसे मेरा सरफेस यहाँ पे बन गया है, तो इस सरफेस को अगर मुझे 3D व्यू में देखना है तो सरफेस को सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक और ऑब्जेक्ट व्यूअर अगर चाहूँ तो इस सरफेस को मैं इस तरीके से 3D व्यू में देख सकता हूँ। तो यहाँ पे सिविल 3D में आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आपके पास अगर इस जगह का कोई इमेज फाइल है, मतलब सैटेलाइट डाटा हो या उस टाइप का कुछ इमेज फाइल है, तो आपका ये जो सरफेस बना है इसके ऊपर आप टैप कर सकते हैं। तो मैं इस जगह पे दो टाइप का डाटा है आपका, अगर ऑलरेडी जियोरेफरेंस डाटा है तो डायरेक्टली इस डाटा के ऊपर ही ये आपका इंसर्ट होगा। अदरवाइज अगर आपके पास जियोरेफरेंस डाटा नहीं है, ओनली आपका जैसे JPG फाइल इस टाइप का अगर इमेज है तो इसको भी आप इसके ऊपर ट्रैप कर सकते हैं और जियोरेफरेंस भी कर सकते हैं। मेरे पुराना वीडियो में अगर देखेंगे, पिछले वीडियो में, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं कि 7-3D में कैसे इमेज को जियोरेफरेंस कर सकते हैं, आप उसके मदद से भी कर सकते हैं। तो आज आपको दोनों ऑप्शन दिखाएंगे यहाँ पे कि बिना जियोरेफरेंस से भी मैं इसके ऊपर इमेज कैसे ट्रैप कर सकता हूँ। तो सबसे पहले इमेज नॉन जियोरेफरेंस इमेज को इसके ऊपर लाता हूँ और कैसे ड्रैग करता हूँ वो दिखा देता हूँ, फिर जियोरेफरेंस इमेज भी दिखाऊंगा। तो इमेज लाने के लिए इंसर्ट मेनू पे जाते हैं और यहाँ पे रास्टर इमेज और फिर जहाँ पे मेरा इमेज है, सबसे पहले मैं यही इमेज लेता हूँ जो मेरा जियोरेफरेंस नहीं है। इसके बाद यहाँ पे ओके करता हूँ और जैसे मेरा जियोरेफरेंस नहीं है, मुझे इंसर्शन पॉइंट पूछ रहा है, तो इंसर्शन पॉइंट देखे मैं, ये मेरा इमेज यहाँ पे आ गया। इमेज को थोड़ा यहाँ पे स्केल कर देता हूँ, तो ये जैसे मैं यहाँ पे स्केल कर दिया। अभी इसको एग्जैक्टली पोजीशन लाने के लिए ऑलरेडी आप मेरे पुराना वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें जियोरेफरेंस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जियोरेफरेंस नहीं करूँगा, जस्ट सिंपली इसमें स्केल एंड रोटेशन अप्लाई करके जस्ट इमेज को इसके ऊपर मैं प्लेस करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मूव पॉइंट लेता हूँ और इस कॉर्नर को जस्ट इस जगह पे बिठा देता हूँ रख ले, और फिर ऑलरेडी जैसे स्केल एंड रोटेशन ये भी मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं पुराने वीडियो में से। तो यहाँ से मैं इमेज को फिर इस जगह पे स्केल कर देता हूँ थोड़ा, तो स्केल ऑप्शन लिया और यहाँ पे बेस पॉइंट ये जस्ट रफली इस पॉइंट को दिखा देता हूँ और रेफरेंस ऑप्शन लेता हूँ और फिर यहाँ पे एक्टर रे और फिर मैं नेक्स्ट पोजिशन में इस कॉर्नर को कॉर्नर स्केल दे देता हूँ। तो इस जगह पे मैं इस कॉर्नर टू कॉर्नर, तो हल्का सा यहाँ पे रोटेशन देंगे तो और भी अच्छे से बैठेगा। तो मैं यहाँ पे रोटेशन कमांड लेता हूँ और फिर इमेज को थोड़ा रोटेशन भी यहाँ पे दे देता हूँ, बेस पॉइंट सेम रख देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे भी रेफरेंस एट द रेट और फिर इस कॉर्नर को रेफरेंस करके थोड़ा यहाँ पे रेफरेंस दे दिया। चाहूँ तो फिर से इसमें कुछ स्केल अप्लाई कर सकता हूँ, तो फिलहाल इसी तरीके से इसको छोड़ता हूँ। तो अभी इसको अगर इमेज ट्रैप इस जो सरफेस बना है इसमें ट्रैप करूँ तो रास्टराइज मैं इस सरफेस को देख सकता हूँ।
तो इमेज को ड्रैप करने के लिए आपको यहाँ पे सरफेस पे जाना है और फिर यूटिलिटी में और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ड्रैप इमेज। तो ड्रैप इमेज ऑप्शन लेते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी जिस नाम का इमेज था वो यहाँ पे मिल गया है और कौन सी सरफेस के ऊपर ड्रैप करूँगा और यहाँ पे रेंडरिंग मटेरियल्स क्या होगा। तो जस्ट यहाँ पे ओके करता हूँ तो ये इमेज मेरा यहाँ पर ड्रैप हो गया। अभी अगर इस जो सरफेस है इसको अगर मैं ऑब्जेक्ट व्यू 3D व्यू में देखूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन यहाँ पे रास्टराइज अगर रखेंगे तो आपका जो इमेज है वो सरफेस के ऊपर ट्रैप हो गया है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन के लिए एक अच्छा चीज़ है, इस तरीके से सरफेस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कहीं पे, रियलिस्टिक व्यू आपको आएगा, आपका जो इमेज उस जगह का है उसी के ऊपर ये सरफेस ट्रैप हो गया है, आप इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो इमेज है नॉन जियोरेफरेंस इमेज था और इसको आप जियोरेफरेंस भी कर सकते हैं 7D में, अदरवाइज स्केल एंड रोटेशन के मदद से भी इसमें आप इसको प्लेसमेंट दे सकते हैं। और आपके पास अगर जियोरेफरेंस इमेज है तो डायरेक्टली इसके ऊपर आपका ट्रैप हो जाएगा। तो मैं इस इमेज को जस्ट यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। यस, तो मेरे पास अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी एक इमेज मैं यहाँ पे दिखाया था कि एक जियोरेफरेंस इमेज भी है इस जगह का। तो जियोरेफरेंस इमेज इस जगह पे लाने के लिए मैं यहाँ पे कमांड यूज़ कर रहा हूँ मैप आई इंसर्ट, और मैं यहाँ पे ये मेरा जियोरेफरेंस इमेज चूज़ करता हूँ। तो आप देखेंगे कि डायरेक्टली इस जगह पे प्लॉट हो गया, मुझे कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिल गया, उसको जस्ट यहाँ पे ओके करना। तो जो इमेज मैं यहाँ पे इंसर्ट किया हूँ तो आप देख सकते हैं इमेज का साइज़ थोड़ा स्क्वायर फिगर में है, तो ये जो वाइट पोर्शन है आप चाहे तो इसको आप काट भी कर सकते हैं। जैसे इसको अगर काट ना करके अगर आप इसी जगह को अगर ऑब्जेक्ट व्यू देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस पोर्शन आपका इस जगह पे नहीं आया है, मतलब जहाँ पे आपका डाटा नहीं है, सर्वे नहीं है, उस जगह का भी यहाँ पे व्यू में आपका नहीं आया बिकॉज ऑफ ये इमेज इसके ऊपर आपका ड्रैप हो गया है। तो ये जो ड्रैप आप देख सकते हैं कि ये पुराना इमेज का ड्रैप यहाँ पे दिखा रहा है, ये नया इमेज का नहीं। तो अगर नया इमेज इसके ऊपर ड्रैप करते हैं ड्रैप इमेज और आपका इस इमेज को अगर ड्रैप करता हूँ इसके ऊपर, तो आप इस जगह पे फिर अगर ऑब्जेक्ट व्यू में जाओ तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इस जगह पे आपका वाइट पोर्शन आपका नहीं दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपका जो डाटा है आप अच्छा रिप्रेजेंटेशन कहीं पे देना चाहते हैं या प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो सीधी थ्री में इस तरीके से व्यू आप इसको सेव भी कर सकते हैं। आपका जो रास्टराइज इमेज रिप्रेजेंटेशन आया है इसको आप सेव भी कर सकते हैं कभी भी। तो यहाँ पे सेव बटन में गए तो आप यहाँ पे PNG, JPG, BMP, TIFF किसी में भी आप सेव कर सकते हैं। तो 7D में भी एक अच्छा फीचर से इमेज को ड्रैप करना और इसके मदद से आपका रिप्रेजेंटेशन डेटा को कहीं पे प्रेजेंट करना है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद रखता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।